कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां घर में रखी हुई स्कूटी में अचानक हुआ विस्फोट, लगी आग। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचमपुरा में रहने वाले रविंद्र पटेल पुत्र जगदीश पटेल के घर में स्कूटी रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि अचानक स्कूटी में एक विस्फोट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग पूरी मकान में फैल गई। तो वहीं आग लगने से घर में रखा हुआ गेहूं, मूंगफली, जवा एवं घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। नाम है आपका? भूपेंद्र पटेल। कहाँ की घटना है ये? पंचमपुरा। क्या घटना हुई बताइए जरा। ये इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी थी, हाँ, अपने आप आग ही लग गई उसमें। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ? 15-20 क्विंटल हमारी मूंगफली जल गई जी, और 16-17 क्विंटल गेहूँ जल गया। अच्छा, और किसी को चोट लगी? हाँ, घर में चाची है हमारी, उनको चोट भी लगी। अच्छा, और स्कूटी स्कूटी का क्या हाल हुआ? स्कूटी तो पूरी ब्लास्ट हो गई। अच्छा, और कुछ हुआ नुकसान? हाँ, ये कूलर जल गया है, जाल माल कपड़े मपड़े बहुत सारा नुकसान। कैसे लगी और कब लगी बताइए आप? ये आग लगी है, स्कूटी रखी थी अंदर, हाँ, तो वो बहू थी जो हमारी, हाँ, वही उसका जगली की, और 5 मिनट बाद विस्फोट हुआ है, अपनी आप स्कूटी पूरी तरह से फट गई। अच्छा, स्कूटी बंद रखी थी? हाँ, बंद गाड़ी रखी हुई। चार्जिंग पे लगी थी? नहीं, चार्जिंग पे नहीं रखी थी, एक साइड में रखी थी। अच्छा, तो अपने आप फटी, वो हाँ, बहू दौड़ी, हाँ, बहू भी जल गई है। अच्छा, वो आग पका गई पूरी। अच्छा, इसमें नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान गेहूं जला है, मूंगफली जली और जवा जले। अच्छा, और जो बाजार रखा हुआ था हमारा अंदर, अब वो देख रहे क्या क्या सामान रखा हुआ था। कितने का हुआ होगा नुकसान? कम से कम नुकसान हो गया होगा 1.5 लाख हो गया।